Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and now we are going to see 11.2 defects of vision and their correction. ठीक है, तो हमारे विजन में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उसको करेक्ट कैसे किया जाए. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखें धीमे धीमे जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसको गुमा देती हैं. ठीक है, मतलब हमारे लेंस को करेक्ट करना, अपने लेंस को एडजस्ट कर पाना, ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से वो हमारी पावर चली जाती है. और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में एक इंसान हो सकता है कि वो कोई दूर की चीज को ठीक से देख ना सके, ठीक है, या फिर वो चीजों को ठीक से देख नहीं पाता, उतनी आराम से देख नहीं पाता और उसका जो विजन है उसको जो जो भी कुछ दिखाई देता है वो धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आंखों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, राइट, उसके जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हो जाते हैं उसकी आंखों के. ठीक है, और ये तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स होते हैं हमारी हमारे विजन के. ये होते हैं फर्स्ट मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, और प्रेस बायोपिया. और ये तीनों तीन डिफेक्ट इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डिफेक्ट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं ये डिफेक्ट वो, और इन डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, और इनके रिलेटेड जो डायग्राम है वो, इतना तो कर ही लेना इस चैप्टर में. आप लोग आई का स्ट्रक्चर वो कर लेना अच्छे से, और ये तीनों तीन डिफेक्ट और इनके विजन का करेक्शन कैसे होता है वो 100% कर लेना. ओके, और इन डिफेक्ट्स को, इन तीनों तरह के डिफेक्ट्स को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, यूजिंग सूटेबल स्फेरिकल लेंसेस. अगर सूटेबल स्फेरिकल लेंसेस हैं तो उसके वजह से हम इनको करेक्ट कर सकते हैं. अब आइए देखते हैं एक एक करके हर एक के बारे में. सबसे पहले देखेंगे मायोपिया के बारे में. ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारी जो सबसे नजीक की देखने की अच्छी सी डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से नजीक में अगर आप आंखों के आगे कुछ भी लेके आओगे तो उससे क्या होगा, उससे आंखों पे असर पड़ेगा और वो ठीक से देख नहीं पाएंगे कंफर्टेबली. एक तो हमारा ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर, और दूसरा जो पॉइंट है वो है इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस रेंज में हम आराम से अच्छे से देख पाते हैं. हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी और सबसे नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से नजीक में अगर कुछ भी आया तो वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देगा, या तो हमारी इन आंखों पर असर पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेन होगा, कंफर्टेबली हम नहीं देख पाएंगे. तो मायोपिया के केस में क्या होता है, देखो मायोपिया के केस में एक हद तक तो ऐसा होता है कि इंसान है ना उस इमेज को ठीक से देख पाता है. मान लो ये एक इमेज है, ये इमेज है, अब इस अगर इसको अच्छे से देख पा रहा है समझ लो, तो इसका मतलब क्या कि ये इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर. ठीक है, रेटिना ये है मान लो, तो रेटिना के ऊपर इसकी इमेज बन पा रही है. ठीक है, और अगर यहां से थोड़ा सा भी अगर दूर गया ना, ठीक है, एक डिस्टेंस तक वो देख पाता है, एक डिस्टेंस तक देख पाता है, लेकिन वहां पे इस कंडीशन में जो उसका फार पॉइंट होता है ना, वो फार पॉइंट होता है लेस देन इन्फिनिटी. ये याद रखना, ये है मायोपिया के केस में जो उसका फार पॉइंट होगा वो लेस देन इन्फिनिटी होगा. मतलब कि एक डिस्टेंस तक वो ठीक से देख पाएगा ऑब्जेक्ट को, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा दूर जाने लगा ना, ये ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा दूर जाने लगा तो क्या होगा, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाएगा तो जस्ट मोमेंट. अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर जा रहा है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर जैसे ही थोड़ा सा दूर जाएगा ना बच्चों, तो जो इमेज बन रही थी वो इमेज अब रेटिना पे नहीं बनेगी. देखो अब वो इमेज क्या होगी, वो इमेज रेटिना पे बनेगी ही नहीं, वो थोड़ा सा उसके आगे बनेगी. राइट, अब ये ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, इसकी इमेज कहीं आगे बनेगी, रेटिना के आगे उसकी इमेज बनेगी यहाँ पे. ठीक है, कहीं इधर रेटिना पे बननी चाहिए ना इमेज, लेकिन एक हद तक वो देख सकते थे, उस हद से थोड़ा सा दूर अगर कोई इंसान गया वो या फिर कोई चीज गई तो वो इमेज उनके रेटिना के आगे बनने लगती है, ना कि रेटिना के ऊपर. इसीलिए वो लोग दूर की चीज को, इस दूर वाली चीज को ठीक से देख नहीं पाते. इसको बोलते हैं मायोपिया को, क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस. क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस. अब बच्चों ये जानना है कि ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट हो सकता है इसके दो रीजन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई, व्हाट कॉजेज मायोपिया, या फिर व्हाट कॉजेज नियर साइटेडनेस और मायोपिया. तो मायोपिया के कॉजेज क्या हैं वो पूछ सकते हैं. तो वो कॉजेज हो सकता है कि उसका जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा हो गया हो, या फिर जो आईबॉल है, आईबॉल और भी ज्यादा लंबी हो चुकी हो. ठीक है, थोड़ी सी और खींचा गई हो, लंबी हो गई हो, इसीलिए यहाँ पे रेटिना पे जो बनना चाहिए था वो अब उसके थोड़ा सा आगे बनना स्टार्ट हो गया है. ओके,
अब इसको ठीक कैसे करेंगे? आपको पता है कि इसको ठीक कैसे करेंगे? कुछ ऐसा करें हम कि ये रेज इतने जल्दी आके ना मिले, ठीक है? ये रेज इतने जल्दी यहां पे जो मिल मिल रहे हैं ना, तो यहां पे उतना जल्दी ना मिले, थोड़ा सा दूर जाके मिले, ठीक है? तो मान लो कि यहां पे ये जो रेज मिल रही थी पहले, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो कि ये रेज इतना जल्दी ना मिले, थोड़ा सा दूर जाके मिले, आगे जाके थोड़ा सा मिले। अब अगर इन रेज को कन्वर्ज होने से रोकना है तो डाइवर्ज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये हो रही यहां पे ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो इनको डाइवर्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ज करने के लिए हमें कौन सी लेंस यूज करनी पड़ेगी? डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है? डाइवर्जिंग लेंस कौन सी होती है बच्चों? तो इसका इलाज है कॉनकेव लेंस। मतलब हमारी आई बॉल्स में सबसे पहले आ जाए कॉनकेव लेंस, अगर यहां पे आ जाएगा तो ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, यहां पे जो आ रही थी ना, ये जो लाइट रेस ऐसे आ रही थी, उन लाइट रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा और डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज करने की वजह से क्या होगा? यही रेस डाइवर्ज करने की वजह से जाके रेटिना पे मिल पाएंगी, ठीक है? यहां पे रेटिना पे मिल पाएंगी, क्योंकि यहां पे मिल रही थी, मतलब जल्दी से वो कन्वर्ज हो जा रही थी। यहां पे इन्हीं रेस को पहले डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करने से क्या हुआ, जब ये फिर से अंदर से कन्वर्ज हुई तो थोड़ा दूर जाके मिली, मतलब रेटिना पे जाके मिल गई। तो ये कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो बच्चों अब देखते हैं दूसरा केस, ठीक है? एक नॉर्मल आई के लिए सबसे नजीक में नजीक जो उनका नॉर्मल पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को कितना नजीक लेके आ सकते हो जबकि वो उसको आप क्लियरली देख सको, डिस्टिंक्टली देख सको, वो हमारे लिए होता है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ये नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जब ये नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट इतना नियर होता है कि तब जाके ये इमेज यहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बन पाती है, ठीक है? अब इसके और भी ज्यादा नजीक लेके आओगे तो वो इमेज रेटिना के ऊपर शायद अच्छे से ना बन पाए, ठीक है? या फिर हमें हमारी आई लेंस को थोड़ा तकलीफ हो, डिसकंफर्ट फील हो, स्ट्रेन हो। तो ये हो गई नॉर्मल लोगों की बात। अब जिन लोगों को कोई डिफेक्ट होता है तो उनको ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर नहीं, इनको और भी थोड़ा दूर चला जाता है इनका ऑब्जेक्ट, ठीक है? इनका जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। होल्ड ऑन, मान लो इनका जो नियर पॉइंट होगा वो, इनका नियर पॉइंट मान लो है, ये है समझ लो कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इन लोगों का नियर पॉइंट अगर होगा 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि 30 सेंटीमीटर से आपने और भी अगर ज्यादा नजीक लेके आए तो उनको दिखना बंद हो जाएगा, या फिर वो दिखना उनको ठीक से कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो हमारे लिए सबसे नजीक का पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल है, लेकिन इनको 25 सेंटीमीटर इनको और भी थोड़ा दूर रख के वो चीज को देखना पड़ता है। मतलब अगर वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त वो लोग क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त वो लोग उस न्यूज़पेपर को 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और दूर रखेंगे, ठीक है? इट विल बी मोर देन 25 सेंटीमीटर, तभी वो उसको अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन अगर उस उनके नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, अगर इस 30 सेंटीमीटर से हमने थोड़ा सा कम किया ना, 28 सेंटीमीटर किया, तो उनको ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना बंद हो जाएगा, काफी धुंधला दिखेगा, ओके? अब उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि ये अगर दूर गया, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर गया, मतलब कि इनकी जो इमेज बनती है ना, ये इमेज कहाँ पे बनेगी? ये इमेज रेटिना के पीछे बनती है, यहाँ पे इनको दिखाई क्यों नहीं देता? अगर मान लो कि थोड़ा सा और नजीक आ गया तो इनको दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि इनकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है ऐसे केस में, ठीक है? 30 सेंटीमीटर से जरा सा भी कम किया तो वो इनकी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। रेटिना के पीछे बन रही है मतलब यहाँ की जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज तो हो रही है लेकिन उतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पा रही, राइट? तो इसको और भी ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा ताकि ये जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे आ सके, राइट? फोकस पॉइंट यहाँ पे रेटिना के ऊपर आ सके। तो अगर लाइट रेज को थोड़ा और कन्वर्ज करना है तो हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करनी पड़ेगी। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या? हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करनी पड़ेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस अगर हम यूज करेंगे तो यहां पे जो लाइट रेस थोड़ी होगी वो थोड़ी और कन्वर्ज हो जाएगी, और ये कन्वर्ज होके फिर आके रेटिना पे बन सकती है उसकी इमेज, ओके? थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि थोड़ा सा ठीक भी लगे यार, ओके? तो अब जो लाइट रेज आएंगी ना, वो लाइट रेज इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी, और ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज होंगी थोड़ी सी।
कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होने की वजह से जहां पे बननी चाहिए थी वहां पे बनेंगी, मतलब रेटिना के ऊपर इसकी इमेज बन पाएगी। पहले क्या हो रहा था, पहले यही लाइट रेज जब आ रही थी तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने आर्टिफिशियल यूज नहीं की थी, तो ये कन्वर्ज तो हो रही थी लेकिन काफी देर के बाद यहाँ पे मिल रही थी पीछे की तरफ, रेटिना के पीछे, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिया। ये डिफेक्ट क्या कहलाता है? हाइपर मेट्रोपिया कहलाता है। हाइपर मेट्रोपिया में हमें एक हद तक दिखाई देता, उसके बाद दिखाई देता नहीं है, ओके, उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, ओके, फार साइटेडनेस मतलब दूर से ही सब कुछ ठीक नजर आएगा, अगर उस दूरी से आपने थोड़ा सा और नजीक किया तो दिखना बंद हो जाएगा या फिर दिखना खराब हो जाएगा, ओके। अब इसको ठीक करने के लिए हमने कौन सी लेंस यूज की? कॉन्वेक्स लेंस यूज की, ताकि वो लाइट रेस को थोड़ा और कन्वर्ज करे और यहाँ पे इमेज रेटिना पे बन सके, ओके। अब बच्चों आएगा थर्ड डिफेक्ट। थर्ड डिफेक्ट में होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, वैसे वैसे जो हमारा नॉर्मल पॉइंट था ना, जो नियर पॉइंट जो था 25 सेंटीमीटर, वो बढ़ते बढ़ते आगे और चला जाता है। नियर पॉइंट मतलब कि जो था 25 सेंटीमीटर से हम आसानी से देख पाते थे, तो वो पॉइंट और बढ़ जाता है आगे धीमे धीमे, जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे ही होता है, ठीक है। ओ ये क्या हो गया? तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो नॉर्मल जो नियर पॉइंट था वो नियर पॉइंट बढ़ता जाता है, हो जाता है 26, फिर 30, फिर 40, ठीक है। तो हमें जो जो हमें दिखाई देता था वो अब और कोई भी चीज दूर जाएगी तब जाके हमें दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अब 40 सेंटीमीटर से मान लो है किसी की एज काफी हो चुकी है और उसको 40 सेंटीमीटर तक ही चीजें दिखती हैं, अगर 40 सेंटीमीटर से थोड़ा सा और नजीक चीज होगी तो वो ठीक से दिखाई देगी नहीं, ठीक है। तो ये एज के अगर अगर इसमें एज की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसको प्रेस बायोपिया, ठीक है। क्या बोलेंगे आप उसको? प्रेस बायोपिया। अब आप जान गए ना कि प्रेस बायोपिया एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया ही है ना, ये एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया ओनली ड्यू टू एज, सो वो बन जाएगा प्रेस बायोपिया। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको उनको नियर साइटेडनेस भी होता है, फार साइटेडनेस भी होता है, मतलब उनको मायोपिया भी होता है और उनको हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया भी होता है और मायोपिया भी होता है। तो आप जानते हैं कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा पता है? ऐसे केस में जब इंसान को दोनों के दोनों चीजें हैं तो उनको दोनों के दोनों यूज करने पड़ेंगे, मतलब ये जो आईबॉल है, ठीक है। तो आईबॉल के यहाँ पे जो लेंस लगेगी वो लेंस कैसी होगी? वो लेंस का आगे वाला जो पार्ट होगा, आगे वाला पार्ट होगा ऊपर का, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, क्या था यहाँ पे? हाँ, अ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो जो अपर पोर्शन होगा ना, अपर पोर्शन क्या होगा? अपर पोर्शन में कॉनकेव आएगा और लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स आएगा, ठीक है। मतलब अपर पोर्शन में कॉनकेव आएगा तो अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस होगी, और लोअर पोर्शन में क्या होगी? लोअर पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस होगी, ठीक है। इस तरह की लेंस होगी, ऊपर कॉनकेव लेंस और नीचे कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस अपना क्या काम करेगी? कॉनकेव लेंस जो होगी वो डिस्टेंट विजन को ठीक करेगी, और जो नीचे का कॉन्वेक्स होगा वो नियर विजन को ठीक करेगा। तो और अभी अभी के जमाने में ये पॉसिबल है कि इस तरह के रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंसेस या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन। सो बच्चों यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, दिस इज राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ, बाय।